हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे है आप सब? तो बताओ, मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं कीमा कढ़ाई। तो आज हम बनाने वाले हैं कीमा कढ़ाई। मैंने तो चिकन कढ़ाई सुना था। नहीं, मैं आज बनाने वाली हूँ ढाबा स्टाइल कीमा कढ़ाई। चिकन का बनाएंगे या मटन का? नहीं, मटन का बनाएंगे। देखो, कीमा ना मटन में ही खाने मजा आती है। कुछ डिशेस होती है जो कि ना चिकन की कुछ और मटन की कुछ और, तो वैसे ही मटन का ना कीमा खाने ज्यादा मजा आता है, चिकन का उतना नहीं। तो ढाबा स्टाइल बनाने वाले हैं। हाँ। तो आज अम्मी बनाने वाले कीमा कढ़ाई, वो भी ढाबा स्टाइल। तो चलो फिर नजर मारते इंग्रीडियंट्स पे, क्या अम्मी ढाबा स्टाइल कीमा कढ़ाई बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम मटन का कीमा, प्याज, टमाटे, हरी प्याज की सब्जी, अदरक लहसुन का पेस्ट, कोथमीर, कसूरी मेथी, कुटा हुआ धनिया, पीसी हुई हरी मिर्ची, गरम मसाला पाउडर, ढेपली हरी मिर्ची। गरम मसाले में हम लेंगे बड़ी इलायची, हरी इलायची, काली मिरी, फूल, लौंग, तेज पत्ता और दालचीनी। यहाँ लेंगे हम हल्दी की बुक्की, धनिया की बुक्की, जीरे की बुक्की, मिर्ची की बुक्की और अक्खा जीरा। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिए है और मैंने यहाँ पे मटन का कीमा ले ली हूँ जो कि है 1 किलो, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कीमा। देखो, अभी ढाबा स्टाइल बना रहे तो थोड़ा सा अपने घर से अलग होता है उन लोगों का तरीका बनाने का, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं डालूंगी प्याज जो कि है 300 ग्राम। हमें कौन से ढाबे की है? अब सब जगह बनता है, ढाबा अलग बनता है, बहुत सी जगह पे भुना अलग बनता है, कीमा भुना अलग बनता है, बहुत तरीके के बनते हैं कीमे। यहाँ पे मैं डालूंगी 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे नमक। बस ये हाथ का कीमा, मशीन का कीमा है? नहीं, हाथ का कुटा हुआ कीमा है। और यहाँ पे हमारा जो कीमा है थोड़ा सा जले नहीं करके मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ढक के एक 5 मिनट के लिए रख देना है। कीमा खुद ब खुद अपना पानी छोड़ेगा। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए पकते हुए, माशाल्लाह देख रहे कितना पानी छोड़ दिया ना कीमे ने। अब यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसाले में मैं डालूंगी काली मिरी 1 फूल, 4 लौंग, छोटे छोटे 2 तेज पत्ता, दालचीनी और 4 बड़ी इलायची और 6 से 7 छोटी इलायची। बस अब इसको हम पकने देंगे कीमे के साथ और इसका पूरा पानी सूखे तक मैं इसको अभी ढक के पकने दूंगी। इसमें हमारा थोड़ा सा कीमा भी गल जाएगा पानी सूखने में, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पानी हमारा सूख गया है कीमे का, है ना, माशाल्लाह। इसमें क्या होता है, हमारा कीमा भी गल जाता है वही पानी में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तेल या घी, जो भी आपको डालना है। अब ये तेल में मैं अच्छे से एक 5 मिनट ये कीमे को भून लूंगी सिर्फ तेल में। बहुत आसान रेसिपी है मेरा। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, तू ही बना ले। खाली कीमे में कुछ भी डालो, ढक्कन ढक दो, कुछ भी डालो, ढक्कन ढक दो। देख रहे, देखो ढाबा स्टाइल में ना कुछ अलग तरीके से बनता है। अपन घर में रहते हैं तो कुछ अलग ढंग से पहले मसाले भूनते हैं, बहुत सारी चीजें अलग करते हैं। मसाले वही रहते हैं लेकिन तरीका ना बहुत सारी चीजों का अलग होता है। और जो ढाबे में 2-4 चीजें अलग ऐड की जाती है, बस यही है। अब रियाज भाई बोलते बहुत ईजी है, तो जरा कमेंट करना, मैं रियाज भाई को यहाँ खड़ा करूंगी और कैमरा मैं होल्ड करूंगी, ठीक है। किस किस को देखना है कमेंट करना। हमें मैं तो बना लूंगा रेसिपी, कैमरा होल्ड करेंगे पता चला चालू ही नहीं करेंगे तो फिर पब्लिक का क्या। ये भी बात बराबर है, मैं हेल्प ले लूंगी किसी की, टेंशन मत ले तू। तो यहाँ पे देखो हमने तेल में अच्छे से भून रहे हैं, तो मिलती हूँ 2 मिनट के बाद, मैं जरा इसको अच्छे से भून लूँ तेल में। तो यहाँ पे 5 मिनट मैंने अच्छे से भून ली हूँ तेल में हमारे कीमे को, माशाल्लाह। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पीसा हुआ मसाला। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के हरी मिर्ची ली हूँ पीसी हुई, और हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन फिर से। मैंने 2 चम्मच पहले भी डाली थी और अभी भी 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, ठीक है ना। ये हमारा कीमा 1 किलो का है, वो हिसाब से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ सब। अभी मैं यहाँ पे 1 मिनट अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा कीमे में पका लेती हूँ।
यहाँ पे मैं 2 से 5 मिनट अच्छे से भून ली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डाल के। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूंगी 2 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची, क्योंकि तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची अच्छी काफी ऐड करी हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 2 से 3 चम्मच धनिया की बुक्की, आधी चम्मच हल्दी की बुक्की और 2 चम्मच हम डालेंगे जीरे की बुक्की, और हम थोड़ा सा इसमें अखा जीरा भी ऐड करेंगे। और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ बड़ा चम्मच धनिया, ये कुटा हुआ धनिया है, ठीक है। इसको पहले तवे पे अच्छे से भून लेना, फिर उसको कूट लेना या मिक्सर में दरदरा सा पीस लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको 1 मिनट अच्छे से मिला लूँ पूरे कीमे में। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे टमाटे। तो टमाटे यहाँ मैंने ली हूँ 300 ग्राम। महंगे हो गए क्या टमाटे? टमाटे महंगे हो गए, सही बोला एकदम। 80 रुपया 90 रुपया किलो चल रहा टमाटे, कहाँ 40 रुपया 50 था पिछले हफ्ते, अभी सीधा 80-90 रुपया किलो। किधर 80 रुपया है किधर 90 रुपया है। अभी भी कहीं ना कहीं 40-50 रुपया किलो रहेगा ना? मैं नहीं बेटा, वो फिर सड़े हुए टमाटे मिलेंगे, 40-50 में नहीं है, एकदम बारीक बारीक टमाटे मिल रहे हैं जो 60 रुपये किलो है। तो अभी यहाँ पर मैं पानी नहीं डालूंगी, इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा पकने दूंगी ताकि हमारे जो टमाटे हैं वो सॉफ्ट हो जाए और थोड़े से गल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कीमे को मैंने टमाटे डाली थी तो 5 मिनट ढक के रखी थी धीमी आंच पे, और 5 मिनट से मैं इसको सिर्फ भून रही हूँ, तो ताकि हमारे टमाटे भी अच्छे से गल जाए और हमारा जो मसाला भी है वो भी अच्छे से पक जाए, ठीक है ना। अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो बचे हुए सामान हैं, जैसा कि अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हमारी हरी प्याज की सब्जी। यहाँ पे मैं डालूंगी कसूरी मेथी, और यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हो गया क्या तैयार? नहीं नहीं नहीं, अभी तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पे 1 मिनट में इसको अच्छे से मिक्स करके पका लूंगी। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट मैंने हरी सब्जी को डाल के पका ली है, देख रहे ना, भूनना, जितना भूनेंगे कीमा उतना अच्छा बनेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करी, जो स्टार्ट में डाली थी ना थोड़ा सा, जब मैं स्टार्ट में कीमा डाली थी कढ़ाई में, बस वही पानी पे मैं भून रही हूँ, अब तक इसमें पानी नहीं ऐड करी हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को जितना सूखा रखना है, जितना पतला रखना है या गाढ़ा रखना है, अपने हिसाब से डाल देना पानी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा ही पानी डालूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी मैं इसको आराम से ढक के पकने दूंगी 1-2 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पकने दी हूँ ढक के। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी मस्त आ रही है, देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे अम्मी भी थक चुके हैं, और माशाल्लाह मेरा कीमा यहाँ पर रेडी हो गया है। अभी इसमें डालने वाली हूँ मैं ये गार्निशिंग के लिए। अब यहाँ पे अगर आपको अदरक वगैरह डालना है ये, लेकिन तो ये आप है क्या? डाल देना, ये है ढेपली मिर्ची, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो इसके लिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ये ढाबे वगैरह के सालन में भी मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं गैस बंद कर दूंगी। यहाँ ढाबा स्टाइल मटन का कीमा रेडी हो गया है। पराठे के साथ खाइए, पाव के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, किसी के भी साथ खाइए। तो दोस्तों तैयार हो गया यहाँ पे ढाबा स्टाइल मटन कीमा कढ़ाई, है ना, मटन कीमा बड़ा बोल रहा हूँ, कीमा कढ़ाई। अभी कैसा ना भाई, अपन मटन कीमा ही बोलते हैं, और फिर चिकन कढ़ाई या फिर मटन कढ़ाई, लेकिन अम्मी ने ना यहाँ को कंफ्यूज कर दिया, कीमा कढ़ाई, कीमा कढ़ाई। और यहाँ पे हमारे मालवनी में कांदा और नींबू सस्ता हो गया है ना अम्मी? नहीं, मैं तो फिर यहाँ क्यों लिए, वो तो मैंने ले ली तेरे लिए बचा के थोड़ा सा, आज रोटी के मैं मतलब कुछ, आज इतना प्यार अम्मी कुछ काम है।
मैंने देखो कब खिला के अपना काम करवाई, मेरे को कराना रहे तो मैं ऐसी करा लेती हूँ। इतनी भारी भारी डिशेस में नींबू का मैंने डाली ना तो मैंने थोड़ा सा बचा ली, मैंने फिर बोलेगा क्या नींबू का आता तो इसके लिए मैंने इसलिए थोड़ा सा रोक ली थी। ऐसा कैसे खाऊं मैं अभी, इसी में खाना पड़ेगा तुझे। अरे बाप रे, तो चलो सबसे पहले ना अपन नींबू डालू इसमें क्या खाना है। ये देखो ढाबे में ना अपन देखो घर में नहीं डालते नींबू, नींबू सच बोल रहा हूँ, जैसा प्लेट पे मिला ना रोटी से खा रहा हूँ, लेकिन ढाबे वही बता रहा हूँ। तो ढाबे में ना नींबू आता है प्याज आता है तो कैसा अपन ना ऐसा डालते है ऊपर से, लेकिन इसके अप्पा डालते हैं ऐसा। हाँ तो अप्पा को मिलता है प्याज और नींबू, कीमा वगैरह बनेगा ना पहले बनेगा मेरे को नींबू ला प्याज ला ये सब चाहिए रहता है। तुम्हारी सबसे पहले एक मिर्ची लेता हूँ और ये कीमा लिया मैंने भर के, बस बड़ी इलायची मत लेना मेरे वाले में। चलो बिस्मिल्लाह, आओ भाई अब अपन लेते हैं थोड़ा ना इसके लिए बड़ा वाइट लेंगे। ये एक मिर्ची लूंगा मैं यहाँ पे जो मैंने डाले डाले दिखा क्या डरा रहे पहले ही डरा रहे ये बड़ा भाई लेने से तो जरा टेस्ट ना इसमें थोड़ा ज्यादा आता है, इसके लिए मैं बड़ा भाई पहला वाला खाता हूँ। बिस्मिल्ला अब दोता खा के एक नंबर टेस्ट मार अच्छा लेकिन थोड़ा स्पाइसी है मैं कहा नहीं है उधर तो हल्का तो रहेगा ना अभी एकदम फीका रहेगा कीमा तो क्या मतलब है तो तीखी नहीं है नहीं तूने एकदम में चला लिया ये टेपली मिर्ची ना पकी नहीं है ऊपर ऊपर डाले थे ना गार्निशिंग में तो हल्का स्पाइसी लग गया उसको एकदम जहर जहर का जहर। तूने नींबू क्यों नहीं मिलाया, नींबू डाल के मिला ना अच्छे से। इसको मिर्ची बहुत उतना भी तीखा नहीं है लेकिन है तीखा थोड़ा। हाँ थोड़ा उतना स्पाइसी है। अभी देखो मैंने तो एकदम ढाबा स्टाइल एकदम खुशबूदार बनाई हूँ, भून भून के पूरा 1.25 घंटा लगता है खड़े रह के वहीं के वहीं ये कीमा बनाने के लिए। आप इसको छोड़ के हट नहीं सकते क्योंकि हम अलग तरीके से बना रहे हैं ना ढाबा स्टाइल। तो हम लोग क्या करते हैं एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेते हैं उसमें डालते रहते हैं फिर हिलाते रहते फिर एक चीज डालते फिर पकाते रहते फिर एक चीज। ढाबा और रेस्टोरेंट में ऐसी लंबी पकने वाली डिशेस ना नहीं रहती है, झटपट बनने लगे ना जिसमें आइटम हल्का कच्चा पक्का मिलता है। दूसरी चीज रेडीमेड आइटम ज्यादा रहते हैं जैसे कि रेडीमेड ग्रेवी हो गया और ये मटन की ना सेवल तो ये बोलते ना एक बार में बन जाता है, बहुत कम जगह ना ऐसा जगह पे बना के देते हैं। एक बार बन गया ना तो फिर उसको ही गर्म कर गया फिर उसमें तड़का मार के अलग अलग तरीके से देते हैं वैसा। हाँ तो ये कीमा एक साथ बन जाता है बनाने में तो लग जाता है इतना टाइम, खाने में और सर्व करके देने में वो कढ़ाई तो जगह पे खत्म हो जाती है। उसमें भी कैसा अलग अलग इतना भी कीमा जो मतलब उतना बेस कीमे का वो जिसे बन गया लेकिन फिर नहीं कीमा तड़का कीमा फ्राई फिर उसमें से अलग अलग वेराइटीज मार के देते हैं। हाँ तो जैसे हम लोग प्याज टमाटर पहले से गला के साइड में रखते वो सब बोल रहा हूँ मसाले पहले से रेडी रखते हाँ। फिर एक फ्राई पैन में एक तड़का मारते इधर से थोड़ा डालते हाँ, फिर वो मिल जाता है लोगों को ऐसा। अच्छा कैसा बना कीमा मस्त एक नंबर सच बोलूँ तुम्हें अलग कैसा नहीं लेकिन अपने जो घर में पहले बनता था ऐसी है हम लोग पहले घर में ऐसा बनता था कीमा, अभी तो बहुत टाइम ऐसे कीमा बना नहीं घर में है ना। माशाल्लाह अच्छा लगा कीमा अच्छा बना मेरे घर में ना। देखो एक सही बात बोलूँ आप लोगों को, जब इसके बाप बीमार भी नहीं थे जब तंदुरुस्त थे, अभी कैसे हार्ट के वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त है। नहीं नहीं मतलब कैसे हार्ट के वजह से हमारे घर में थोड़ा सा ये कीमा वगैरह मटन वगैरह थोड़ा सा कम हो गया था बीच में, तो इसके लिए उसने बोला कि हमारे वो पहले जैसा बनता था ना वैसा बना, क्योंकि हमारा वो पहले जैसे की जो बात किया ना ये पहले ऐसे मतलब दिक्कत आती थी डेली बिना एक दिन मटन के घर में खाना नहीं बनता था। तो उस टाइम की बात किया इसने कि वो जो पहले बनता था मतलब हम लोग घर में रहते थे ना घर में भी रहने से 5-6 साल पहले जब हमारा ये यूट्यूब नहीं था मगर खाना टेस्टी एक से एक बनता था मटन के आइटम में, चाहे भाजी डाल के बोलो आलू डाल के बोलो कीमा बोलो अलग अलग वराइटी में मटन रोज बनता था, मतलब एक जैसा मटन नहीं बनता था क्योंकि खाने के बहुत शौकीन थे घर में मेरे, तो मटन रोज बनता था लेकिन वैरायटी में अलग 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 चेंज कर करके लेकिन भून भून के ही बनता था माशाल्लाह। एक रोटी मिलती थी लेकिन देखो सबके घर में होगा ये सब चीज। एक रोटी मिलती थी उसमें भी अल्लाह का शुक्र है भाई रोज एक रोटी तो मिलती थी मतलब कैसा है ना अभी 1.25 किलो लाओ 300 ग्राम लाओ 400 ग्राम लाओ तो बांट के फैमिली को सबको आना चाहिए ना
तो वो हिसाब में मिलता था, तो वो बोल रहे कि एक एक बोटी मिलती थी। अरे ऊपर वाले का शुक्र है, एक बोटी तो नसीब किया। कई लोग सूखी रोटी खाते है कि नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना नसीब, इससे अच्छा और क्या चाहिए, है कि नहीं? सही बोले मैंने। तो भाई वीडियो कैसा लगा, और ढाबे की आपको कौन सी डिश, कौन सी रेसिपी पसंद है, कमेंट्स करके जरूर बताना। ढाबा स्टाइल में कीमा कढ़ाई बनाए, मैंने चिकन कढ़ाई भी बनाई हूँ, कीमा भी बनाई हूँ, मटन कढ़ाई भी बनाई हूँ। अभी ढाबे की भी अगर आपको कोई और रेसिपी देखना है तो कमेंट्स कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हो। हाँ कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा। तो भाई ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा, रेसिपी पसंद आई होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक के सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो गाइस कब करोगे सब्सक्राइब? प्लीज प्लीज प्लीज, पहली बार जो भी वीडियो देख के आगे जा रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना।